जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोको M5s के बारे में। और ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही तगड़े तगड़े स्पेक्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर ये फ़ोन 12 से लेकर 15 हज़ार के बीच में आता है तो बेस्ट 4G फोन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो का स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो ये फोन दोस्तों आपको 8.2 mm का थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। 178 ग्राम का आपको वजन देखने को मिलने वाला है। IP53 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत बारिश का छींटा वगैरह आपको झेल लेगा। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर इसके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। पोको M4 सीरीज़ की तरह ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। डिज़ाइन में आपको शानदार डिज़ाइन देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिलेगा, यानी कि प्लास्टिक बिल्ड पर आपको ये फोन देखने को मिलता है। तो अगर बात करें आप इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले 6.43 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलेगा। 90 हर्ट्ज़ या फिर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेबसाइट पर मेंशन नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एंटी फ्लिकर देखने को मिलने वाला है इस फोन में, तो आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। डुअल स्पीकर देखने को मिलने वाला है इस फोन के साथ। तो यहाँ पर आप कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं तो डिस्प्ले भी आपको शानदार और साउंड क्वालिटी भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, तो कंटेंट वॉच करने में आपको डबल मजा आने वाला है। तो अगर आप बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है। MediaTek Helio G99 होता तो और बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कंपनी जो देगी उसी के साथ जाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। अंततः स्कोर आपको 3,90,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा स्कोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जेड एक्सिस लेनियर मोटर का यूज़ किया गया है इस फोन में, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन का भी यूज़ करेंगे जब आप गेम खेलेंगे तो आपको मज़ा और आएगा इससे। और यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा MIUI 13 के साथ, तो सॉफ्टवेयर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है और लेटेस्ट अपडेट मिल ही जाएगा। अगर आप इसको लेते हैं तो Android 13, 14 आपको तो मिल ही जाएगा, इसमें आपको नो डाउट है। और अगर बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में, तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिलता है। 64 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ, 2 MP मैक्रो सेंसर के साथ आता है ये फोन। और सेल्फी शूटर यहाँ पर आपको 13 MP का देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा मोड्स देखने को मिल जाता है और फोटो आपको शानदार निकाल कर देगा। 4K वीडियो आप रियर साइड से रिकॉर्ड कर पाएंगे। बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड, आपको ये सब तो फ्रंट साइड में देखने को मिलता है, और बैक साइड में आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स जैसा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा से आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाला है, अच्छा फोटो और अच्छा वीडियो निकाल कर देगा। अगर बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बैटरी और चार्जर आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। और डब्बा में ही आपको चार्जर मिल जाएगा, तो अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और फिंगरप्रिंट आपको साइड में देखने को मिल जाएगा, और फेस अनलॉक जैसा फीचर्स तो आपको इसमें देखने को मिलेगा ही। एक बढ़िया फोन रहने वाला है। और बात करें रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाएगा और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलेगा, तो फास्ट स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें, तो 4GB रैम और 64GB रैम इसका पहला वेरिएंट होगा। अगर ये फोन पहला वेरिएंट 12000 के अंदर आता है तो बेस्ट रहने वाला है। साथ ही अगर दूसरा वेरिएंट के बारे में बात करें, तो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दूसरा वेरिएंट होगा। इसका प्राइस कम से कम 13-13.5 हज़ार के बीच में रहना चाहिए, और 15000 के अंदर आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलना चाहिए। और इसके स्पेक्स देख के आपको कैसा लगा ये फोन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।